कोरोना संक्रमण के चलते देश प्रदेश सभी जगह व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया था। व्यवसाय अच्छे व्यवसाय की आज पूरी तरह से छोड़ चुके थे। कई व्यवसाय मंदी की वजह से मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे, लेकिन आजकल चल रहे सिलसिले बार त्योहारों ने उनकी टूटती आस को बचा लिया है। यही वजह है कि उनके मुरझाए चेहरों पर अब धीरे धीरे ही सही लेकिन रौनक लौटने लगी है। देश में चल रहे त्योहारों ने मानो व्यापारियों को संजीवनी दे दी है, जिसकी वजह से मंदी के सागर में डूबती आस की नाव अब दोबारा से तैरने लगी है और व्यापार धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। व्यापारी आस कर रहे हैं कि जल्द कोरोना रूपी बीमारी खत्म हो जाएगी और वे पहले की तरह खुशहाल हो जाएंगे। सोलन के व्यापारियों ने मंदी को लेकर सकारात्मक विचार प्रस्तुत किए और कहा कि लॉकडाउन के बाद वे पूरी तरह से हताश थे क्योंकि व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया था, लेकिन अब त्योहारों के इस सीजन में लग रहा है कि जल्द ही व्यवसाय पहले की तरह हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वे चाहते हैं कि जो हानि उन्हें लॉकडाउन के समय उठानी पड़ी है वे कम से कम इस दौरान पूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि हर व्यवसाय चाहता था कि उसके व्यवसाय में बढ़ोतरी हो, लेकिन कोरोना ने उसकी आस पर पानी फेर दिया और लाभ की बजाय हानि उठानी पड़ी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो घाटा उसे उठाना पड़ा वह पूरा हो जाएगा। इसी आस में भी सभी खुश हैं। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, वो एक जरूरी था, उस समय की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया होता तो शायद ये कोविड की समस्या बहुत गंभीर हो जाती। ठीक बात है आपकी कि भी इससे नुकसान हुआ, व्यापारियों को भी हुआ, हर वर्ग को नुकसान हुआ, परंतु ये हमारी मतलब सोसाइटी की एक ओवरऑल जरूरत थी। और जहां तक अब जो लॉकडाउन से खुलने के अनलॉकडाउन की बात है, रिकवरी तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि रिकवरी नहीं है, परंतु उस लेवल पे पहुंच पाना जहां पे हम थे वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस पर काम तो अनलॉकडाउन से ही आना शुरू हो गया था, परंतु रिकवरी जो हमें जो दुकानदार एक्सपेक्ट करता है कि भी हर साल 10-15% की उसकी व्यापार में ग्रोथ हो, वो नहीं है। और जो पिछले साल अगर जो उसने 1000 रुपए का काम किया था तो वो इस साल वो 700-800 का ही काम कर पाएगा, 1000 रुपए भी नहीं पहुंच पाएगा। वो कुछ टाइम तो लग रहा था कि नहीं भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार, पर आज एक दो हफ्ते से लग रहा है कि थोड़ा सा काम जो है खुल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी काम जो है अच्छा जाएगा। सर, अगर पिछले साल के मुकाबले बात करें हम, तो पिछले साल के मुकाबले काम कैसा है इस बार? पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, बाकी आगे देखते हैं त्योहारों में, जो दिवाली का त्यौहार आ रहा है उसमें देखते हैं कि शायद कुछ कोरोना काल के वक्त जो लॉसेस हुए हैं शायद थोड़ा सा रिकवर हो जाए, पर पिछले साल के मुकाबले इतना काम अभी खुला नहीं है। बाकी ये कि हम यही उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए त्योहारों में और ज़्यादा शॉपिंग करें, और जो हमें कोरोना टाइम में जो इस साल जो लॉसेस गए हैं उसकी भरपाई जो हम पूरा तो नहीं कह सकते हो जाए, पर कम से कम जितना हो सके पूरा हो। तो पहले काम खुला था, जो लॉकडाउन खुला था मई अप्रैल जून में, जैसे जैसे उसके बाद जब टाइम आ रहा है तो इसके बाद 25-35% की बढ़ोतरी हुई है काम की, जो पहले था अप्रैल मई में उससे ज़्यादा धीरे धीरे त्योहारी सीजन करके ये काम बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में भी लगता है कि दिवाली के बाद भी सीजन अच्छा लगेगा। उसके हिसाब से पिछले साल से 35-40% काम डाउन है, लेकिन जो अप्रैल मई से जो लॉकडाउन खुला है उसके हिसाब से जो पहले काम था, जो 3 या 4 दिन दुकानें खुलती थी, उसके हिसाब से जैसे जैसे धीरे दुकानें कंटिन्यू खुलने लगी हैं तो 30-35% काम बढ़ना शुरू हुआ है।